अक्सर सरकारी स्कूलों की दीवारें बदरंग होने के साथ खाली नजर आती हैं, लेकिन जिला हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी जौड़ेयम स्कूल ने दीवारों पर ग्रामर के ज्ञान के साथ मुश्किल शब्दों को भी अंकुरित किया है, जिससे हर समय छात्रों को नजरों के सामने ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहती हैं। इस मुहिम को अंजाम देने के लिए जौड़ेयम स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल प्रबंधन समिति के साथ प्राध्यापकों ने भी अपना सहयोग दिया है, जिस कारण आज स्कूल ब्यूटिफिकेशन के मामले में निजी स्कूलों को टक्कर दे रहा है। स्कूल में अंकुरित दीवारों को ऐसे सजाया गया है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जमा दो तक के छात्रों के लिए हर समय किताबी ज्ञान उपलब्ध है और छात्र भी इस तरह स्कूल में बढ़िया माहौल पाकर खुश हैं। बच्चों को स्कूल में बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए हमीरपुर जिला के सीनियर सेकेंडरी जौड़ेयम स्कूल अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसी के चलते हमीरपुर जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जौड़ेयम में स्कूल परिसर की ब्यूटिफिकेशन इस कदर की है कि हर कोई देखकर दंग रह जाता है। यही नहीं, स्कूल की हर दीवार केवल मात्र चार दीवार न बने इसके लिए भी सिलेबस से लेकर ग्रामर के मुख्य बिंदुओं को अंकित किया गया है, जिससे बच्चों को हर पल दीवारों में पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध रहती है। जौड़ेयम स्कूल की सुंदरता को लेकर स्कूल प्रबंधन के मिले जुले प्रयासों से संभव हो सका है और अध्यापकों के द्वारा अपनी स्वैच्छिक सहभागिता के साथ काम करने के चलते वर्तमान में स्कूल की ब्यूटिफिकेशन देखते ही बनती है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी बढ़िया वातावरण मिलने पर पढ़ाई के लिए मन लगा पाते हैं। स्कूल के छात्रों का कहना है कि स्कूल में भवन बहुत बढ़िया है और सभी कमरों में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों को इससे काफी मदद मिलती है। छात्रों का कहना है कि काफी स्कूलों में सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन स्कूल की हर दीवारों पर संदेश दिए गए हैं और बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर भी पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। साक्षी ठाकुर, कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्लस टू नॉन मेडिकल। आपके टीचर को अवार्ड दिया था? स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है, सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं वॉल्स के ऊपर जिससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाउ टू वर्क। सो मींस हमारे स्कूल का ऐसा है कि बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने को, अच्छी है पढ़ाई भी अच्छी है। सो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं टीचर्स? हाँ जी सर, काफ़ी हेल्पफुल हैं टीचर्स, बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो। अब तो साइंस ब्लॉक वगैरह भी मतलब सब कुछ न्यू इंट्रक कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट हो रहा है सब कुछ, सो एवरीथिंग इज गुड। सर, क्या नाम बेटा? सर नित्यम शर्मा। कौन सी क्लास में? प्लस टू साइंस। आपके स्कूल का जो बहुत सुंदरता है, क्या कहेंगे आप? सर जो हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो बहुत अच्छा है, और स्कूल भी सर हमने काफ़ी देखे पर वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है सर। हमने और सरकारी स्कूल देखे, वहाँ पे ऐसे मैसेज नहीं है, टीचर्स नहीं है अच्छे सर। हमारे स्कूल में स्पेशल अटेंशन दी जाती है हर एक स्टूडेंट को कि वो आगे बढ़ के आए और जो उनके अंदर का टैलेंट है वो उसे निखारें। सर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी दीवारें हैं वहाँ पे मतलब मैसेज दिए गए हैं जिससे कि हर समय बच्चों को एक प्रेरणा मिलती रहे जिससे वो अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकें और हमारे देश और इलाके का नाम रोशन कर सकें। स्कूल प्रिंसिपल देविंदर सिंह का कहना है कि बच्चों को मोटिवेशन लेवल हर पल बढ़ता रहे और इसके चलते ही स्कूल प्रबंधन के प्रयासों से स्कूल की ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राध्यापकों के सहयोग से मिलने वाली सहयोग राशि से संभव हो पा रहा है, साथ ही स्कूल के सभी कमरों में बच्चों को हर दीवार पर ग्रामर के अलावा ज्ञानवर्धक चीजों को दर्शाया गया जिससे छात्र भी काफी लाभान्वित होते हैं। सर्वप्रथम तो जसवीर जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि जो एक फिज़िकल एनवायरनमेंट है किसी भी संस्था के अंदर, उसका बेहतर होना जो वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा जो आसपास है वो बेहतर होगा तो उसमें बच्चा जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो क्लासरूम है चाहे वो हमारा कैंपस है, कैंपस के लिए हमने स्ट्रेस रखा कि कैंपस को जो वो ब्यूटिफाई किया जाए, क्लासरूम जो है वो उनको डेकोरेट किया जाए ताकि बच्चा हर मोमेंट के ऊपर जो है वो मोटिवेटेड फील करे, चाहे वो अपना क्लासरूम में है या क्लासरूम से वो बाहर आकर यदि वो ट्रांजिट कर रहा है दूसरे क्लासरूम में जा रहा है तो बाहर का जो वातावरण है उसको देखकर भी वो अपने आप को जो हर वक्त जो है वो उत्साहित जो है वो महसूस करे, क्योंकि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसका एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे की एजुकेशन में। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हमारा आसपास साफ़ नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर में बच्चे का अपना जो अपना स्टडी एरिया है यदि हम उसकी बात करें तो वो भी उतना ही साफ़ और उतना ही सुंदर जो और व्यवस्थित जो है वो होना चाहिए। तो इन सब के पीछे सबसे बड़ी यही एक मंशा रही थी कि बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो हर वक्त हर पल जो है वो बना रहे और वो बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सके। सर कैसे मैनेज हो पाता है क्योंकि फंड्स की हमेशा कमी रहती है साउथ सेक्टर में?
फंड्स का जहाँ तक सवाल है, इसमें तो ये मेरे सभी जितने अध्यापक साथी हैं उनके सहयोग से, जो SMC है उसका, इसमें हमें भरपूर जो है वो सहयोग जो है वो मिलता रहता है। और इसके अलावा जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो समय समय के ऊपर विद्यालय के उत्थान के लिए वो अपना सहयोग जो है वो देते रहते हैं, तो उनसे मिलने वाली जो सहयोग राशि है उसी से हम ये सब जो है वो करने में सफल हो पा रहे हैं। सर, ब्यूटिफिकेशन के अलावा जो क्लासरूम है वहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन और वॉल पे पूरी तरह से एक, चाहे मैथ्स है साइंस है, कुछ एक मैसेज दिया हो, क्या है उसका? वो क्लासरूम्स के लिए ऐसा था कि हम चाहते थे कि क्लासरूम सिर्फ एक चार दीवारें बनकर जो है वो ना रह जाएं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो साफ़ दीवारें होती हैं वो भी वैसे कुछ ना कुछ बोलती हैं, लेकिन उनको समझ पाना बच्चों के स्तर की बात जो है वो नहीं होती है। तो उनके सिलेबस से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, फार्मूलाज थे, डायग्राम्स थी, और या ग्रामर के कोई जो कॉन्सेप्ट थे, जो वहाँ पर उनको जो है वो दीवारों के ऊपर पेंट किया गया है, क्योंकि ये मानना है, ये गवर्नमेंट का भी इसमें ये रहा कि जो बिल्डिंग है उसको एज अ लर्निंग एड जो है वो हमने यूज़ करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसमें यही था कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सेकेंडली, कई बार बच्चा क्लासरूम में टीचर के पढ़ाते समय कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, अगर क्लासरूम में रह के वो डिस्ट्रैक्ट होगा भी तो कहाँ पे जाएगा, वो दीवारों पे देखेगा, दीवारों में उसको फिर से पढ़ने के लिए जो है वो मटेरियल जो है वो मिलेगा, तो वो निश्चित तौर पर वो उसके लिए हेल्पफुल होगा, और फिर से वो यदि वो डिस्ट्रैक्ट हुआ है फिर से वो अपने आप को जो फोकस कर पाएगा पढ़ाई की तरफ, जो क्लासरूम टीचिंग जो है वो चल रही है। ये इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये रहा था। सर, वर्तमान में बात करते हैं, स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है? वर्तमान में हमारे पास कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो है वो 301 विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो विज्ञान संकाय में जो विद्यार्थियों की संख्या जो है, यदि मैं जमा 1 और जमा 2 की बात करूँ तो वो संख्या जो है वो बाकी संकायों से जो है वो अधिक है। इसका एक कारण, क्योंकि हमारा एक बड़ा एक रिच जो एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ विद्यालय में रही, यदि मैं बात करूँ जब से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ 2016 से, तो 2016 में हमें पहली जो है वो साइंस स्ट्रीम में बोर्ड में मेरिट मिली थी, और वो 9th पोजीशन थी साइंस स्ट्रीम में। 2017 में साइंस स्ट्रीम में हमें जो पोजीशन मिली वो हमारी 14th पोजीशन थी, और 2018 में फिर से हमें साइंस में फर्स्ट टॉप 10 में आने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ, और हमारी उसमें जो है वो 10वीं पोजीशन थी। 2019 में हमारे पास कॉमर्स संकाय में जो है वो हमें 8th पोजीशन जो है वो मेरिट में मिली, और अभी पिछले वर्ष जो मार्च 20 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें फिर से हमें साइंस स्ट्रीम में हमारा जो बच्चा था वो 485 अंक लेकर जो है वो 13वें स्थान के ऊपर जो है वो अपना बोर्ड मेरिट में जो है उसने अपना स्थान जो है वो बनाया। तो ये एक रिच ट्रेडिशन जो है वो हमारे विद्यालय के लिए जो है वो रहा है, और इन सबसे बच्चे जो हैं वो भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि हमने अपने स्कूल का मोटो भी यही रखा है कि सक्सेस इंस्पायर्स सक्सेस, कि सफलता ही सफलता के लिए जो प्रेरणा देती है। तो शायद यही कारण था कि ये मोटो को लेकर हमने भी काम किया, बच्चों तक इसको जो वो पहुंचाया, और हर वक्त उनको जो प्रेरित करने का काम किया, और ये जो पिछले उदाहरण जो हमारे पास थे वो उनके समक्ष रखे या उन्होंने खुद भी वो देखे, तो उनसे भी उन बच्चों को जो है वो प्रेरणा मिली, और ये हमारा जो सफलता का जो सिलसिला है वो निरंतर जो है वो जारी है। और हम इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं, हालांकि इस टाइम असाधारण परिस्थितियों से पूरा देश और हम सभी इससे जो है वो गुजरे हैं, बावजूद इसके हम इस वर्ष फिर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम मेरिट में अपना स्थान बनाने में जो है वो सफल होंगे। जहाँ तक स्कूल में एनरोलमेंट और स्ट्रेंथ की बात है, तो एक लास्ट ईयर हमारे जिला में कायाकल्प का प्रोग्राम चला था, उससे जो एक डाटा निकल कर सामने आया था जब हमने उसको स्टडी किया, तो उसमें ओवरऑल यदि हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम में हमारे पास जो है वो 4th पोजीशन थी सभी स्कूलों को मिलाकर, लेकिन यदि हम सरकारी स्कूलों की यदि इसमें बात करते हैं तो सरकारी स्कूलों में हमारा जो नंबर था वो प्रथम था, हमारे पास साइंस विषय में जो है वो सबसे अधिक जो है वो बच्चों का यहाँ पर एनरोलमेंट था। और इस बार हम इस परिस्थिति को एनालाइज़ नहीं कर पाए, क्योंकि स्कूल बंद रहे और दूसरी जो परिस्थितियाँ रही थी उसकी वजह से हम इसको एनालाइज़ नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार भी हम शीर्ष पर ही होंगे। गौरतलब है कि विद्यार्थियों की संख्या भी हर साल जौड़ेआम स्कूल में बढ़ती जा रही है, 301 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, विज्ञान संख्याएं की संख्या काफी स्कूलों से अधिक है। स्कूल प्रबंधन के प्रयासों से स्कूल के प्रांगण से लेकर पूरे परिसर को इस तरह से सजाया गया है जिससे स्कूल में वातावरण बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो हर कोई स्कूल को देखकर प्रशंसा करना नहीं भूलता है।